दोस्तों नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं आज के ताजा मौसम समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ने मौसम के भयंकर रूप के चलते कई राज्यों में चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही कई राज्यों में रेड अलर्ट की घोषणा भी कर दी गई है। दोस्तों देश भर के कई राज्यों में खतरनाक मूसलाधार भारी बारिश, भयंकर आंधी तूफान और कई राज्यों में बेहद भयंकर और खराब स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों अगर आप भारत के किसी भी गाँव या राज्य में रहते हैं तो इस खबर को बिना बगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दे और नीचे कमेंट करके अपने राज्य अपने गाँव का नाम लिखे ताकि आपके राज्य जिला और गांव से जुड़े ताजा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहें। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, पश्चिम हिमालय, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा उत्तर और पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों और पश्चिमी एमपी में हल्की बारिश संभव है। अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होगी। वहीं ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप और कोंकण और गोवा में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। वहीं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा गंगे, पश्चिम बंगाल, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, पूर्वी गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश होगी और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक या दो स्थानों पर लू चलेगी। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। भारी बारिश ने पूर्वोत्तर राज्यों के बड़े इलाकों में तबाही मचाई है। पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बड़े इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक इस क्षेत्र में और बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 16 से 18 जून तक असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों आज के मौसम समाचार की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।